हम कालावाली विधानसभा के मीरपुर गांव में दर पर पहुंचाने आ गया है हाजिर हरियाणा, और हम सिरसा की हद से लगता हुआ कालावाली विधानसभा के मीरपुर गांव के पास पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे आप बिल्कुल मीरपुर गांव का जोड़ देख रहे हैं, जहां इस जोड़ के अंदर हमारे को भैंसे नहाती हुई साफ दिखाई दे रही है। आइए मीरपुर गांव में हम चुनावी चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ ये मीरपुर गांव का मेन रोड देख रहे हैं, अगर पीछे देखेंगे तो आप मेरे साथ राजकीय पशु औषधालय आपको नज़र आ रहा है, और इसी के साथ इस जोड़ के बाहर मीरपुर गांव के लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे कुछ चुनावी चर्चा करते हैं। जी आपका राम राम और सत श्री अकाल जी। तो जी चुनाव आ गए, क्या लगता है इस बार हरियाणा के अंदर भाजपा कांग्रेस में किसकी सरकार बन पाएगी? बीजेपी की बनेगी जी। बीजेपी की बनेगी, क्या ऐसी खास बात लगती है आपको कि बीजेपी की सरकार बनेगी? देखिए ये हमारे तो ये रोड 50 साल पहले नहीं बना, बन गया जी, बन पे सड़क बन गई है, ये गांव को भी बहुत बड़ा रोड दिया है जी, जी तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो आइए और चर्चा करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जी आप मीरपुर गांव से ही जी? हाँ जी। ये नाम जी आपका? अमीलाल है। अमीलाल जी क्या कहना चाहेंगे इस बार राजेंद्र देसूजोदा को वोट देंगे जी? हाँ जी वोट देंगे। खास बात क्या है राजेंद्र देसूजोदा के अंदर? काम अच्छा करे जी पार्टी, काम अच्छा करे राजेंद्र देसूजोदा। हम कालावाली विधानसभा के सहारनी गांव में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार घग्गर की उफनती हुई लहरों से यह गांव बच गया था, तो पिछली बार पूरा का पूरा माहौल सहारनी गांव में पूरा गर्म था, और अब चुनाव आ चुके हैं। तो आइए मेरे साथ सहारनी गांव से वरिष्ठ लोग इस बेंच पे बैठे हुए हैं, तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं जी, क्या लग रहा है चुनाव आ गया है, आपके गाँव का माहौल कैसा है जी? हमारे गांव का माहौल जी बिल्कुल ठंडा है, तो क्या? अभी कोई संभावना नहीं, हमें तो तारीख वोटों के इलेक्शन के बारे में भी पता नहीं लगा जी। 1 तारीख को अक्टूबर को हमारे चुनाव के घोषित हुए थे, लेकिन अभी आपके पास कोई खबर नहीं पूछी? अभी तक नहीं खबर पहुंची। तो जी क्या कहना चाहेंगे, पता लग गया जी चुनाव आ गए हैं? और पता तो लग गया जी, पढ़ा जी कोई आया नहीं मंगने, कोई पार्टी नहीं आई, कोई पार्टी का बंदा थोड़े को वोट नहीं मांगना आया, राजेंद्र देसूजोदा आ गया बीजेपी च? तो आप हमारे साथ देख रहे हैं कि कालावाली विधानसभा के सहारनी गांव के अंदर हम पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ भाई साहब इनसे प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे कि कालावाली विधानसभा के अंदर सहारनी गांव पड़ता है जी। पिछली बार घग्गर, पिछली बार उफनती हुई लहरों से सहारनी गांव पिछली बार बच गया था, पूरा का पूरा पिछली बार सहारनी गांव पूरा मुद्दा गर्म था, अब चुनाव आ चुके हैं, तो क्या लगता है चुनाव में गांव का माहौल पूरा गर्म है या अभी तक ठंडा है जी? चुनाव में माहौल गर्म है। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आ गया है हाजिर हरियाणा, और इस समय हम मौजूद हैं कालावाली विधानसभा के सहारनी गांव के अंदर, और सहारनी गांव का आप हमारे साथ ग्राम सचिवालय देख रहे हैं, और मेरे पीछे बिल्कुल अगर देखेंगे तो पीछे घग्गर नदी है। पिछली बार इसी उफनती हुई घग्गर नदी से सहारनी गांव बचा था, तो पिछली बार सहारनी गांव में पूरा का पूरा मुद्दा गर्म था, और अब चुनाव आ चुके हैं, और हम सहारनी गांव के ग्राम सचिवालय के अंदर, और जहां ग्राम सचिवालय के अंदर सहारनी गांव के सभी युवा साथी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं जी, पिछली बार जी आपके गांव में पूरी घग्गर नदी आई थी, तो पूरा का पूरा मुद्दा, पूरा मीडिया यहां था, पूरा मुद्दा गर्म था, अब जी आपको पता लग गया जी इलेक्शन आ गए हैं सर पे? इलेक्शन आ गया पता है आपको जी। तो क्या लगता है जी कौन सी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है बीजेपी या कांग्रेस में से? असी तो कहने मोदी सरकार ठीक है ना, तो मोदी सरकार में ऐसी क्या खास विशेषता लगती है जी मोदी की सरकार ही बने? मोदी की सरकार बने गरीब जनता की सहायता करने वाला है बंदा। अच्छा जी। हाँ एक जिहड़ा प्रधानमंत्री है ना एक नंबर ते है मोदी, ठीक है, दूजरियां नू भी वेख लिया सारियां नू, सारियां नू परख परख के देख लेता मोदी जिहड़ा है ना, ये सिरे दा बंदा है, काम करने वाला बंदा है जी। तो क्या कहना चाहिए कालावाली विधानसभा से यहाँ राजेंद्र देसूजोदा है, शीश पाल कहर वाला है, तो इस बार क्या मन बनाया जी? मन मैं तो गरीब जनता नू यही कहना भी मोदी नू वोट पाओ, उन्हें अगे लियाओ जिहड़ा बंदा काम करने वाला है जी, ठीक है ना जी जी। तो काम करने वाले बंदों को साथ लेके आए, इसी के साथ हमारे साथ ताऊ जी आपको जी राम राम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी नाम पूछना चाहे बताइए देशराज जी।
देसरा जी, क्या लगता है आपको, चुनाव का माहौल आ गया है तो क्या उम्मीद लग रही है? देखो जी, ये तो उम्मीद आ रही है, बाकी बीजेपी की सरकार सही है जी। बिल्कुल बीजेपी की सरकार बढ़िया है जी। गरीबों को ही सहायता दी है, जिस तरह बीमारी वाले कार्ड बने हुए, अनाज दे रहे, और कई सुविधा है। तो आप हमारे साथ ग्राम सचिवालय सहारनी के अंदर देख रहे थे, जहां हमारी चुनावी की चर्चा हुई। तो हाजिर हरियाणा के माध्यम से अब हम सहारनी गांव के बीच में पहुंचकर लोगों से चुनाव की चर्चा करते हैं।